YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मुरादाबाद के थाना मुंड पांडे क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने आगे चल रहे एलपीजी टैंकर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस में यात्रा कर रहे एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। इसी दौरान टैंकर से गैस लीकेज होने लगी और अचानक टैंकर में से तेज आवाज के साथ गैस निकलने लगी और उसमें आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर पानी और केमिकल के जरिए काबू पाया गया। तो मुरादाबाद का ये मामला है जहां पर एक टैंकर में आग लग गई अचानक से और लीकेज की वजह से आग लगी थी। ऑयल से भरा हुआ ये टैंकर था, तेज रफ्तार का कहर भी देखने को मिला, जिसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। एक बस ने एलपीजी टैंकर को टक्कर मार दी थी जो उसके बाद टैंकर में से आग दिखनी शुरू हुई। तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया।